हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी सिंह कैसे हो आप लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे तो अब हम रेडी अपना मतलब तैयार करते हैं मेकअप कैसे स्टार्ट करते हैं तो ये मैं सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ इससे पहले टोनर भी लगा लिया है गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप चाहे ठंडी में मेकअप कर रहे हो या गर्मी में मेकअप कर रहे हो आपको उससे पहले मॉइस्चराइजर लगाना होगा ये कंपलसरी है आपका अगर स्किन ड्राई है तो आप बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाओ चिपचिपा हो जाए तो भी कोई बात नहीं है अगर नॉर्मल है तो भी आप मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाओ अब मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैं ये रिवाइटल का एक सीरम है ये सीरम लगा रही हूँ अपने फेस पर काफ़ी अच्छा सीरम है इसका रिव्यू भी आपने देखा होगा तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस सीरम को लगा ताकि जो मेरा फेस है स्किन है वो हाइड्रेट रहे इसके लिए अगर हम ये सब करेंगे ना मतलब जो स्किन केयर होता है वो अगर आप पहले करोगे मेकअप से पहले तो आपका जो मेकअप है वो काफ़ी अच्छा होगा फ्लॉलेस होगा मतलब कहीं कहीं सा नहीं होगा जो आप लोग कह रहे थे ना मेरा वीडियोज़ देख के कि आपका जो मेकअप है काफ़ी फ्लॉलेस होता है कैसे होता है तो मैं स्किन केयर बहुत अच्छे से करती हूँ इस वजह से थोड़ा सा ऐसे कॉम कर लिया था अपने आईब्रो में और अब ये सबसे पहले मैं लगा रही हूँ कलर बार का प्राइमर जो कि सिल्कन बेस है काफ़ी अच्छा प्राइमर है मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे लेकमी वाला प्राइमर भी अच्छा लगा तो ये प्राइमर जो है बहुत ज़रूरी होता है मतलब आपका जो ओपन पोर्स होता है उसको मिनिमाइज करता है एंड स्मूथ बनाता है और जो आप इसके बाद फाउंडेशन या कंसीलर लगाओगे ना वो काफ़ी अच्छे से मतलब आपके फेस पर फ्लॉलेस सा लगेगा बेस अच्छा बनेगा आपका तो सबसे पहले मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ कंसीलर कहाँ कहाँ लगाते हैं जिसको हाईलाइट हमें करना होता है थोड़ा सा डार्क सा एरिया होता है उस पर लगाना होता है कंसीलर तो ये लगा रही हूँ मैं जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे ये जो लाइन जो होता है उस पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगा लिया नोज़ एरिया पर भी लगा लिया और बाकी माउथ के पास भी लगा लिया ये आईब्रो के शेप के लिए ताकि जो आईब्रो है ना हमारा खिल के आए एक्चुअली मैंने गलती की थी मैंने मुझे फंक्शन में जाना था फिर भी मैंने थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाई थी कुछ भी नहीं कर रहे थे इस वजह से मुझे ऐसा लगे थोड़ा सा अपने आईब्रो को उभारने की जरूरत है और अब मैं क्या कर रही कि ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी गाई आप ब्रश से भी कर सकते हो लेकिन अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि आप ब्यूटी ब्लेंडर लो और उससे ब्लेंड करो ताकि आपका जो मतलब इजी हो जाए आपके लिए मेकअप को मेकअप करना और उसे ब्लेंड करना और अब मैं ये लगा रही फिटमी का वन जो शेड है मेरा और इसे मैं लगा रही अपने फेस पे काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है आप भी यूज कर सकते हो एक बार बस एक कोट लगाऊंगी मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा लेयर नहीं लगाती अपने फेस पे ऐसा क्या होता है ना कि वो कैमरे पे तो अच्छा लगता है लेकिन सामने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो ब्यूटी ब्लेंडर से इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया ये ब्यूटी ब्लेंडर दोनों बच्चों ने मिलकर मेरा मतलब खा गए हैं फाड़ दिए हैं मतलब क्या क्या, क्या कर दिए अब ये लैकमी का कॉम्पैक्ट है जिसे मैं सेट कर रही हूँ ये सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप नहीं सेट करोगे ना कॉम्पैक्ट से ऐसे दरार से पड़ जाते हैं कैकी कैकी से हो जाते हैं अजीब सा हो जाता है मतलब कॉम्पैक्ट जरूरी है आपको कि आप जब कंसीलर फाउंडेशन लगा लो तो कॉम्पैक्ट से उसे सेट कर लो तो एक छोटा सा मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है इससे मैंने अच्छे से अपने फेस पे कॉम्पैक्ट जो है उसको शे, आ, शेट कर लिया सेट करने के बाद अब मैं अपने फेस पे शायद आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं आई शेड ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है तो अब शायद मैं अपने फेस पे आई लगा वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग लेजी रहा या नहीं अब ये दो कलर मैंने लिया एक आ, डार्क था ब्राउन और एक लाइट ब्राउन मुझे ना अपना आइस मेकअप थोड़ा सा अलग चाहिए था कि जो थोड़ा सा स्मोकी टाइप का लुक दे इसलिए बहुत अच्छा लुक आया था लेकिन अब दोनों को मिला के मैंने अपने आइस पे लगा आइस लीड पे जो क्रीज लाइन होता है ना उसको अच्छे से डिफ़ाइन करना होता तो है बहुत अच्छे से वहाँ पे लगाना होता है आप एक बार में बहुत सारा आई शेडो ले नहीं लगा सकते आप जब भी आई शेडो उठाएँ ब्रश में उससे थोड़ा सा डश ऑफ कर लें ताकि अच्छे से आपके आइस पर लग सके हमें ब्रश बहुत ज़्यादा घुमाना होता है नहीं तो आप सोचोगे एक ही बार में उठा के इतना सारा लगा ले तो वो आपका जो है आइस मेकअप अच्छा नहीं होगा बहुत ही ऐसा लगाएंगा ना कुछ इतना सारा प्रोडक्ट उठा के थोप दिया नेचुरल बिल्कुल नहीं लेगा तो वो लगाया मैंने दोनों आइस पे और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये लैमी का काजल है आई थिंक लैमी का नहीं आ, जो भी है मतलब आपके पास जो भी काजल है उस काजल से आप जैसे लाइनर लगाते हैं ना उससे अच्छे से काजल लगा ले ऊपर अच्छे से लगाने के बाद अब आपको क्या करना है ब्रश अगर आपके पास ईयरबड है ना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए और इजी भी रहेगा तो मुझे ईयरबड उस टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने ब्रश से उसे स्मच कर लिया आप इसे फिंगर से भी कर सकते हो तो ये वाला जो लुक होता है ना काफ़ी अच्छा लगता है नेचुरल से बहुत सुंदर लगता है मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आता है आईज़ का ये मेकअप बहुत अच्छा लगता है कि काजल से लगाओ और उसे स्मच कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है बिल्कुल डार्क डार्क सा नहीं लगता लाइट लाइट सा लगता है फेस भी तो ये मैंने ब्रश से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया ईयरबड होता तो उससे ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता फिर मैंने थोड़ा सा फिंगर के हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया और बाकी मेरे बेटे की शैतानी आप लोग को दिख रहा है कि वो करके आया है मुझे पिंच चुभा दिया यहाँ पर और दोनों आइस को मैंने ऐसे आ, काजल जो है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और गाइस यहाँ भी बता दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ और आप लोगों को तो, अगर ये कोई ऐसा देख रहा है जिनको ऐसे यूजफुल वीडियो चाहिए तो उनको मैं बता दूँ कि मैं ब्लॉग भी शेयर करती हूँ तो मेरे चैनल पर जाइए विजिट कीजिए आपको ब्लॉग भी बहुत अच्छे लगने वाले फैमिली ब्लॉग शेयर करती हूँ और गाइज आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं सब चीज़ों के लिए आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए कि मैं अपना मेकअप लुक शेयर करूं तो इसलिए मैंने ये शेयर किया अब ये जो है ब्राउन एंड ग्रे कलर था डार्क ग्रे जो होता है ना वो उसे मैंने लिया हल्का हल्का ब्रश पे उसे डस्टअप करने के बाद कॉर्नर जो होता है ना आज का ये कॉर्नर वाला एरिया उस पर थोड़ा थोड़ा सा मैंने लगाया ताकि वहाँ का एरिया जो है ना थोड़ा सा हल्का सा डार्क हो जाए और उसके बाद ये जो गोल्डन कलर है बिल्कुल जो डार्क वाला गोल्डन होता है वो नहीं आई थिंक इसे हम बोल सकते थोड़ा सा कॉपर टाइप में था आप देख लो इसमें कौन सा कलर है इस कलर को मैंने लिया और अच्छे से अपने जो आइस है ना उस पर लगा लिया कितना ईजी था ना ये वो इस ऐसा जिसको मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लैक ब्लैक सब पसंद ना हो ना और फिर भी स्मोकी मौके चाहिए उसको तो वो ये चीज़ कर सकता है ताकि उसे अच्छा लगे अब यह ब्लैक और जो ग्रे था उससे लेके और जैसे काजल लगाते हैं ना लाइनर जहाँ लगाते हैं वहाँ हल्का हल्का सा मैंने लाइन खींच लिया और लगा लिया आज मैंने फेक आई भी लगाए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे भी पहले बहुत अच्छे से नहीं आता था लगाते लगाते ही आता है बट कैसे मैंने लगाना सीखा किस तरीके से वो मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी जो कि आपको पता है कि कितना भी मेकअप कर लो एक फॉल्स आई लगा लो ना तो वो ऐसा लगता है कि हम पार्लर में रेडी होकर आए हैं अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही है जो कंसीलर है ना इससे अच्छे से लाइन खींच लिया ताकि जो मेरा आई है ना उसका शेप जो है वो अच्छा सा बने तो ये लाइन खींच के और इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे क्लीन किया और फिर यहाँ से कॉम्पैक्ट से मैं थोड़ा सेट कर लूँगी तो अब देखो मेरा आइस का जो मैंने आई शेडो लगाया ना उसका शेप देखो कितना अच्छा बन गया है ये शेप लाने के लिए मैंने किया कि ताकि फैला फैला सा ना लगे फेस पे अब इसके बाद ये मेरा जो कि हमेशा का है ब्राउन कलर था ब्राउन आई शेडो उससे मैं लोअर जो वाटर लाइन होता है उस पर ऐसे काजल की तरह लगा लूँगी जैसे पता है आई इसका जो लुक होता है ना काफ़ी अच्छा था अगर आप काजल लगाना चाहते हो डार्क नीचे तक तो वो भी काजल लगा सकते हो लेकिन थोड़ा उससे हमारा फेस जो डार्क दिखता है काजल काजलो हमेशा लगाते हैं उनमें ज्यादा अच्छा लगता है मैं हमेशा काजल नहीं लगाती हूँ तो इतना चौड़ा लगाऊंगी तो एकदम से अजीब सा लगेगा इसलिए मैं हमेशा ये आई लगाती हूँ इसका लुक जो होता है बिल्कुल यूनिक आता है अच्छा लगता है आप लोग ट्राई जरूर करना ब्राउन से कभी कभी अगर आई शेडो अगर आप पिंक लगा रहे हो तो पिंक से लाइट पिंक से ऐसे कर सकते हो और अब मैं क्या करूँगी काजल लेके जो वाटर लाइन होता है ना उसमें भर लूँगी हल्का हल्का बिल्कुल हल्का ज़्यादा पता ना चले इतना डार्क करूँगी तो मुझे मेरे फेस पे सूट नहीं करेगा इसलिए आप चाहो तो आप लगा सकते हो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ अब जो है मस्कारा ये बिल्कुल मेन पॉइंट होता है मेन चीज़ होता है आपके मेकअप में मस्कारा लिपस्टिक आ, और आइस मेकअप तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आइस मेकअप अच्छा हुआ है ना तो आपका मतलब समझ लो कि मेकअप अच्छा बेस तो थोड़ा अगर लगा भी लो ना कुछ भी ऐसे कर लो लिपअप होती है लेकिन आइस मेकअप में ना बहुत दिक्कत होती है जो भी बिगनर होते हैं जो भी रेडी पहले नहीं हुए होते इतना मेकअप वगैरह नहीं किए तो उनके लिए आइस मेकअप सबसे बड़ी चुनौती है अब ये रहा आई लेसेस अब मैं इसको पहले क्या करूँगी एक ब्रश पे लेके ना ऐसे सर्कल में इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी ये मेरा यूज़ किया हुआ आई लेसेस है पहले बता दूँ हाँ जी न्यू नहीं यूज़ किया हुआ है मैंने रखा हुआ था और ये इसका ग्लू है इस पर ऐसे लगा के ज़्यादा नहीं लगना चाहिए वरना आपके तो आईस जो आई लेसेस जो आपके ओरिजिनल है वहाँ पे तो बिल्कुल ये डेंजर वाला काम करके इसलिए हमेशा लगाने के बाद उसे थोड़ा सा आप अपने हैंड पे या किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा क्लीन कर लो उसे फूक के थोड़ा सा सुखा लो मतलब कि पाँच दस सेकंड के लिए उसे फूक के थोड़ा कम कर लो और उसके बाद इस तरीके से आप लगा सकते हो मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बता रही हूँ ज़रूर बनाऊँगी आप लोग को बताऊँगी कि आई जो है कैसे लगाते हैं बहुत इजी तरीका बताऊंगी एक बिकॉज़ मुझे भी ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में ना ये बहुत दिक्कत होती है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो काम हमने नहीं किया होता है वो हमें ज़्यादा मुश्किल लगता है जब हम करने लगते हैं तो नहीं लगता ये ब्रश के कॉर्नर से मैं उसे सेट करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं खुद ही थोड़ा सा उसमें उलझ गई थी इसलिए मिररर आगे आ गया, गया है और आप लोग नहीं देख पा रहे हो बट ऐसे ही मैंने लगाया था बस उसको रख दिया था आई जो मेरे ओरिजिनल आई लेसेस उसके पास और फिर मैंने ब्रश से ऐसे पूस कर कर करके चिपका दिया था थोड़ा सा फिंगर की भी हेल्प से और थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए प्लीज़ 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 आप वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और ये मेरा आई लग गया अब दूसरा भी लग जाएगा आपको फेक आई लेसेस लगाने के बाद मस्कारा जरूर लगाना होता है ताकि जो आपका फेक आई लेसेस है और ओरिजिनल आई लेसेस है वो दोनों एक साथ सेट हो जाए आइस अच्छी लग रही है ना आपको पता है जब हम मेकअप करते हैं उस टाइम थोड़ा सा फेस हमारा थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन जब फाइनल जब हम मेकअप कर लेते हैं ना तब बहुत अच्छा लगता है जैसे हमें लिपस्टिक ऐसा लगता है ना लिपस्टिक लगा लो तो सारा मेकअप होगा लिपस्टिक नहीं लगाओ तो ऐसा तो लगता कुछ नहीं हुआ है तो लिपस्टिक लगा लो बिंदी लगा लो बाल जो भी हेयर स्टाइल करना है थोड़ी ज्वेलरी पहन लो तो अलग ही लुक आ जाता है जब हम मेकअप कर रहे थे तब आपको थोड़ा तो सा ऐसा लग रहा होगा कि अभी कुछ मेकअप नहीं हुआ बिकॉज मैंने जो मेकअप किया वो बहुत ही लाइट किया है आपने देखा है कि मैंने कितने कम प्रोडक्ट लगाए अपने फेस पे और लगाना मुझे हमेशा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा लो ऐसा मेकअप दूर से अच्छा लगे और पास को ये तो कहे हे भगवान कितना इसने थपोड़ रखा अपने फेस पे इतना सारा थोप रखा है कैसी लग रही है तो ये चीज नहीं होना चाहिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना कि थोड़ा सा मैंने पहले सोचा कि आई शेडो से ही इसे सेट कर लूँ बिकॉज जो है अलग अलग ना दिखे हमारा जो आई लेसेस है फिर उसके बाद नहीं हो पाया तो मैंने क्या किया कि लाइनर लगा लिया थोड़ा सा मैं चलो ठीक है लाइनर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज लाइनर इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि जो ग्लू है ना वो ना ना दिखे ऐसा ना लगे किसी को देखने में कि जो आपके आई लेसेस हैं और फेक आई लेसेस हैं वो दोनों अलग अलग है एक साथ सेट दिखे इसलिए हमें ये लगाना जरूरी होता है और अब मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रही हूँ अच्छा अपना ये ब्लशर जो कि बहुत अच्छा है ब्रोन्स का भी काम करेगा ये जो होता है ना पाउड बनाओ और इसको लगा लो यहाँ पे तो इससे आपका जो शेप है ना फेस का बहुत अच्छे से आ जाए कंसीलर की ज़रूरत नहीं है मैं कंसीलर वैसे भी सॉरी कंट्रोलिंगिंग नहीं करती मैं अपने फेस पे तो ये भी आप कर सकते हो जो पाउडर शेप में होता है तो मैं यहाँ ब्लसर से ही कर लेती हूँ और फिर हल्का हल्का सा ब्लसर अपने चिक पे लगा लिए मुझे बहुत ज़्यादा रेड रेड सा पसंद नहीं है मैं ये पीच कलर का ही यूज़ करती हूँ हाइलाइटर जो है आईब्रो के नीचे मैंने ये जरूर लगाती हूँ ताकि जो हमारा आईब्रो है वो हाईलाइट हो सके आई है जो अलग से दिख सके और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाईलाइटर हाइलाइटर हमें कहाँ लगाना होता है जो हमारा चिक बोन होता है ना उठा हुआ जो पॉइंट होता है उस पर लगाना होता है नोज पे लगाना होता है अपर लिप्स पे थोड़ा सा फिंगर्स लगा सकते हो नोज पे शेप बना लो वहाँ पर हाईलाइटर लगाना जरूरत है फिर फोरहेड पे जो आईब्रो के सेंटर में ऊपर जो होता है ना वहाँ पर लगा लो हाईलाइटर फिर आपका फेस जो है खिला खिला से दिखेगा अब मैं थोड़ा सा आईब्रो आईब्रो भी ज़रूरी होता है पहले मुझे नहीं लगता था कि इतना कुछ जरूरी है आईब्रो को सेट करना बट बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं फोटो वीडियोज़ में देख के नहीं आईब्रो को भी थोड़ा बहुत हमें सेट करना चाहिए तो ये जो आईब्रो पेंसिल है मेरे पास ब्राउन कलर में है तो इससे हल्का हल्का सा मैंने पहले शेप बनाया और बिल्कुल हल्का हल्का सा फील किया क्योंकि मेरा जो आईब्रो है वो काफ़ी अच्छा है घना है ब्लैक है तो मैं ज़्यादा लगाऊंगी ना तो आर्टिफिशियल लगेगा इसलिए बिल्कुल हल्का हल्का सा जो होता है ना पूरा आईब्रो पर लगा के और इसके साथ जो ये पीछे ब्रश होता है इससे मैंने ऐसे ब्लेंड कर लिया तो बिल्कुल नेचुरल हो गया कभी भी आपने ब्लैक नहीं लगाना ब्लैक लगाने से ना बहुत ही आर्टिफिशियल सा लगता है अजीब सा भद्दा सा आपका फेस लगने लग जाएगा सारा मेकअप बेकार जितना भी कुछ करोगे इसलिए मैं सब ब्राउन आप कोशिश करना और अब ये मेरा Like एप्स लूट का लिपस्टिक जिसके लिए इतना बवाल हुआ था बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि कौन सा शेड है कौन सा ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जीरो टू कॉर्निवल ऐसे कुछ करके है ये बहुत अच्छा शेड है ये एक शेड लगा लो बस मेकअप वैसे ही खिल जाएगा और अब हो गया मेरा मेकअप कम्प्लीट अब इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये है मेकअप फिक्सर इसे फिक्स कर लो मेकअप और हो गई रेडी मैं